श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड अध्याय 10। भाई के साथ वैर का कारण बताने के प्रसंग में सुग्रीव का वाली को मनाने और वाली द्वारा अपने निष्कासित होने का वृतांत सुनाना। सुग्रीव कहते हैं, तदनंतर क्रोध से आविष्ट तथा विक्षुब्ध होकर आए हुए अपने बड़े भाई को उनके हित की कामना से मैं पुनः प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। मैंने कहा, अनाथ नंदन, सौभाग्य की बात है कि आप सकुशल लौट आए और वह शत्रु आपके हाथ से मारा गया। मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था, अब एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं। ये बहुत सी तीलियों से युक्त तथा उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत छत्र मैं आपके मस्तक पर लगाता और चंवर डुलाता हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। वानर राज, मैं बहुत दुख ही होकर एक वर्ष तक उस बिल के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके बाद बिल के भीतर से खून की धारा निकली। द्वार पर वह रक्त देखकर मेरा हृदय शोक से उद्विग्न हो उठा और मेरी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब उस बिल के द्वार को एक पर्वत शिखर से ढक कर मैं उस स्थान से हट गया और पुनः किष्किंधापुरी में चला आया। यहाँ विषाद पूर्वक मुझे अकेला लौटा देख पुरवासियों और मंत्रियों ने ही इस राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। मैंने स्वेच्छा से इस राज्य को नहीं ग्रहण किया है, अतः अज्ञानवश होने वाले मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। आप ही यहाँ के सम्माननीय राजा हैं और मैं सदा आपका पूर्ववत सेवक हूँ। आपके वियोग से ही राजा के पद पर मेरी यह नियुक्ति की गई। मंत्रियों, पुरवासियों तथा नगर सहित आपका ये सारा अकंटक राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था, अब इसे मैं आपकी सेवा में लौटा रहा हूँ। सौम्य, शत्रुसूदन, आप मुझ पर क्रोध न करें। राजन, मैं इसके लिए मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ। मंत्रियों तथा पुरवासियों ने मिलकर जबरदस्ती मुझे इस राज्य पर बिठाया है, वह भी इसलिए कि राजा से रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतने की इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। मैंने ये सारी बातें बड़े प्रेम से कही थी, किंतु उस वानर ने मुझे डांट कर कहा, तुझे धिक्कार है। यों कहकर उसने मुझे और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाई। तत्पश्चात उसने प्रजाजनों और सम्मान्य मंत्रियों को बुलाया तथा सुहृदों के बीच में मेरे प्रति अत्यंत निंदित वचन कहा। वह बोला, आप लोगों को मालूम होगा कि एक दिन रात में मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा से मायावी नामक महान असुर यहाँ आया था। उसने क्रोध में भरकर पहले मुझे युद्ध के लिए ललकारा। उसकी वह ललकार सुनकर मैं राजभवन से निकल पड़ा। उस समय ये क्रूर स्वभाव वाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आया। यद्यपि वो असुर बड़ा बलवान था, तथापि मुझे एक दूसरे सहायक के साथ देखते ही भयभीत हो उस रात में भाग चला। हम दोनों भाइयों को आते देख वह बड़े वेग से दौड़ा और एक विशाल गुफा में घुस गया। उस अत्यंत भयंकर विशाल गुफा में उस असुर को घुसा हुआ जानकर मैंने अपने इस क्रूरदर्शी भाई से कहा, सुग्रीव, इस शत्रु को मारे बिना मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को लौट चलने में असमर्थ हूँ। अतः जब तक मैं इस असुर को मारकर लौटता हूँ, तब तक तुम इस गुफा के दरवाजे पर रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर और ये तो यहाँ खड़ा है ही, ऐसा विश्वास करके मैं उस अत्यंत दुर्गम गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। भीतर जाकर मैं उस दानव की खोज करने लगा और इसी में मेरा वहाँ एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रु को देखा। इतने दिनों तक उसके न मिलने से मेरे मन में कोई क्लेश या उदासीनता नहीं हुई थी। मैंने उसे उसके समस्त बंधु बांधवों से तत्काल काल के गाल में डाल दिया। उसके मुख से और छाती से भी भूतल पर रक्त का ऐसा प्रवाह जारी हुआ जिससे वह सारी दुर्गम गुफा भर गई। इस तरह उस पराक्रमी शत्रु का सुखपूर्वक वध करके जब मैं लौटा, तब मुझे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता था, क्योंकि बिल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। मैंने सुग्रीव, सुग्रीव कहकर बारंबार पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बारंबार लात मारकर किसी तरह उस पत्थर को पीछे की ओर धकेला।
इसके बाद गुफा द्वार से निकलकर यहाँ की राह पकड़े मैं इस नगर में लौटा हूँ। ये सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने भ्रातृ प्रेम को भुला दिया और सारा राज्य अपने हाथ में कर लेने के लिए मुझे उस गुफा के अंदर बंद कर दिया था। ऐसा कहकर वानर राजवाली ने निर्भयता पूर्वक मुझे घर से निकाल दिया। उस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र रह गया था, रघुनंदना। उसने मुझे घर से तो निकाल ही दिया, मेरी स्त्री को भी छीन लिया। उसके भय से मैं वनों और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी पर मारा मारा फिरता रहा। अंततो गत्वा मैं भार्या हरण के दू खसे दू ही हो इस श्रेष्ठ पर्वत ऋषमु कप चला आया, क्योंकि एक विशेष कारणवश वाली के लिए इस स्थान पर आक्रमण करना बहुत कठिन है। रघुनाथ जी, यही वाली के साथ मेरे वैर पड़ने की विस्तृत कथा है। ये सब मैंने आपको सुना दी। देखिए, बिना अपराध के ही मुझे ये सब संकट भोगना पड़ता है। वीरवर, आप संपूर्ण जगत का भय दूर करने वाले हैं। मुझ पर कृपा कीजिए और वाली का दमन करके मुझे उसके भय से बचाइए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने उनसे हंसते हुए से यह धर्मयुक्त वचन कहना आरंभ किया। मित्र, ये मेरे सूर्य के समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ हैं, जो दुराचारी वाली पर रोषपूर्वक पड़ेंगे। जब तक तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले उस वानर को मैं अपने सामने नहीं देखता हूँ, तब तक सदाचार को कलंकित करने वाला वह पापात्मा वाली जीवन धारण कर ले। मैं अपने ही अनुमान से समझता हूँ कि तुम शोक के समुद्र में डूबे हुए हो। मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम अपनी पत्नी तथा विशाल राज्य को भी अवश्य प्राप्त कर लोगे। श्री राम का यह वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने लगे।